पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ पैदल मार्च की शुरुआत की गई है। पदयात्रा की शुरुआत मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड के रामपुर दयाल से की गई है। बिहार में सुशासन की सरकार है तो फिर पंचायतों में भ्रष्टाचार क्यों है, इस बात को लेकर वे मुख्यमंत्री से मिलेंगे और आवश्यक कार्रवाई की मांग करेंगे। हेतु जेडी न्यूज लाइन ने धीरज एवं अन्य युवकों से बातचीत की। देखिए क्या है मामला। कि गांधी जी के कदमों पर चलते हुए पदयात्रा की शुरुआत की गई है। आपने तो देखा होगा कि पदयात्रा अब तक कुछ किलोमीटर तक सिमटा रहता है, लेकिन दूर गांव से राजधानी तक का सफर करीब 125 किलोमीटर से ज्यादा चलने का मादा इन युवाओं ने अपने अंदर पाला है। क्यों? कि इनके मन की बात है कि पंचायत में भ्रष्टाचार क्यों है, जब बिहार में नीतीश कुमार की सुशासन वाली सरकार है तो बिहार में भ्रष्टाचार क्यों, और इसके प्रतिकार में और कार्रवाई की मांग को लेकर बिहार में बदलाव की उम्मीद के लिए पंचायत में विकास की बयार को हकीकत में बदलने की मादा के साथ इन्होंने पदयात्रा की शुरुआत की है। स्वतंत्रता दिवस के दिन राजधानी पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीधी मुलाकात इन युवाओं की हो और पंचायत में जो गड़बड़ी है उसके विकास के लिए, उसको रोकने के लिए इनकी मांग है कहां तक उचित है, और बिहार के नीतीश कुमार जी आखिर इस पर कैसे कदम उठाएंगे, इसी को लेकर के ये युवा आज पदयात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड मुख्यालय के पास के पंचायत रामपुर दयाल से इस पदयात्रा की शुरुआत की गई है, और जो जो युवक पदयात्रा में शामिल हैं आइए उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। क्या नाम है आपका? धीरज कुमार नाम हुआ मेरा। क्या हो रहा है आज? आज जो भ्रष्टाचार की स्थिति इतना ज्यादा बढ़ गया है जी, कि जिलाधिकारी से मिलके, प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिलते हैं, यहाँ तक के सुशील मोदी जी से भी जाके मिला हूँ, लेकिन इस भ्रष्टाचार पर का मतलब उसको ठोस कदम किसी ने नहीं उठाया है। और हमने बार बार नीतीश कुमार जी को देखा है, बार बार सुना है कि वो एक ही बात बोलते हैं कि भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं। तो मन में आया कि क्यों ना हम अपने पंचायत से इस सभी भ्रष्टाचारों को, पुरिंदाओं को लेकर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से पैदल यात्रा कर उनके यहाँ जाए, क्योंकि वहां से चलता है कुछ। यह वास्तविक बात है कि वार्ड के खातों में या जिनके भी खातों का ट्रांजेक्शन का कोई गलत नहीं है, लेकिन यहाँ नीचे स्तर पर इस प्रकार का ट्रांजेक्शन हो रहा है कि पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर होना क्या है। 40% 50% मतलब बस केवल प्रतिशत में बढ़ जा रहा है रुपया। पंचायत में जो है जितना भी खर्च होना है वो होता नहीं है, लोगों को जो उचित मिलता नहीं है। खासकर विशेष फोकस हम लोग का थोड़ा नल जल योजना के विषय में है। एक भी जगह हम लोग के पंचायत में, रामपुर पंचायत में, एक भी जगह काम सही से नहीं हुआ है, केवल खाना पूर्ति हुआ है। दौड़ते दौड़ते थक गए, जिलाधिकारी भी बदले गए, प्रखंड विकास पदाधिकारी तक बदले गए, लेकिन व्यवस्था में सुधार नहीं। लगातार आप शिकायत करते जा रहे हैं? जी, लगातार हम शिकायत करते जा रहे हैं। लगभग 18 महीनों से मौखिक रूप से हो, लिखित रूप से हो, फोन करके हम लोग बहुत स्तर से, अपना स्तर से प्रयास किए हैं। चारों तरफ से हम लोग को जैसे अनेक प्रकार का दबाव भी आता है। आपको लगता है कि पदयात्रा से समाधान होगा? जी बिल्कुल, हमें लगता है कि अगर नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री अगर हम लोगों से मिल लेते हैं तो जरूर इसका जैसे निदान हो जाएगा। क्योंकि हमारा मांग है एक पंचायत, जिस प्रकार नीतीश कुमार जी और केंद्र सरकार की ओर से भी ODF चला जाता है खुले में शौक से, उसी प्रकार हम भी मांग करते हैं कि एक यह भी योजना चला जाए कि भ्रष्टाचार से मुक्त पंचायत, भ्रष्टाचार से मुक्त गांव, भ्रष्टाचार से मुक्त प्रखंड, इस प्रकार का। इसलिए मांग करेंगे से, सर हमारे पंचायत को शुरुआत किया जाए भ्रष्टाचार से मुक्त का। एक गांव से राजधानी तक जाना 125 किलोमीटर की दूरी है, आपको नहीं लगता है कि कुछ ज्यादा आप रिस्क ले रहे हैं? रिस्क तो है, बहुत ज्यादा परेशानी है। हमने पहले भी बता दिया है कि हम रास्ते में जा रहे हैं, हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और बहुत सारे समस्या भी हमके नजदीक आते रहता है। हर एक समस्या को हम अवगत मेल के माध्यम से भी मुख्यमंत्री जी और सभी पदाधिकारी को करते रहते हैं, लेकिन भय तो बना हुआ है कि आखिर पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। एक पंचायत में छोटा सा काम कार्य योजना चल रही है, उसकी जांच, उस पर रोक के लिए मुख्यमंत्री से मिलना, वो भी इतनी बड़ी आंदोलन जैसी जरूरत आजकल के युवाओं को, बिहार की हालात पर क्या बोलेंगे? बिहार का हालात पर जो बोलना है,
क्योंकि काम को जमीनी स्तर से जोड़ा जाए, केवल ऊपर से बोल दिया जाता है, अखबार में निकल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल अखबार में निकल जाने से काम जमीनी स्तर तक नहीं होता है, नीचे के जितने भी पदाधिकारी हैं सब लोग जो है कहीं ना कहीं से कमीशन के खेल में बटे रहते हैं और गरीब जनता का सुनने वाला कोई नहीं होता है। लोग भटकते रह जाते हैं, प्रखंड कार्यालयों के चक्कर लगाते रह जाते हैं, अपनी समस्याओं को बताते रह जाते हैं, लेकिन आज तक कोई बस केवल चल रहा है बिहार चल रहा है। किन मुद्दों को लेकर के आप आंदोलन कर रहे हैं? पहला है हम लोग का जो है नल जल योजना, ठीक है, क्योंकि नल जल योजना में बहुत सारी गड़बड़ियां हुई है। दूसरा है मनरेगा योजना, 10% से 20% ही वर्क होता है, मजदूर के खातों पर जैसे पैसा भेज दिया जाता है, उनके ऊपर से पैसा निकाल लिया जाता है और रात को जैसे भी ट्रैक्टर से काम कर लिया जाता है। तीसरा है जितने भी पीसीसी सड़क बनते हैं वो महज 6 से 7 भर में उनके नीचे का मिट्टी तक निकल जाते हैं और वहां के ना कोई सीधा पट लगाया जाता है, ना कोई सूचना दिया जाता है आखिर काम क्या है। और हम लोग का तीसरा मांग है कि विगत जितने भी अभी तक 5 साल में संपन्न हुए हैं कार्य, मिट्टी भराई हो या ईट सोलिंग हो, वहां आज तक हमारे रामपुरा पंचायत में बंदरा प्रखंड के मुजफ्फरपुर जिला में आज तक किसी भी जगह पर एक भी जगह पर ऐसा नहीं है जहां पर सूचना पट लगा गया हो, सूचना पट लगा दिया जाता है और उसको उखाड़ लिया जाता है, यही दशा चल रहा है। और हम लोग का पांचवा मांग है कि हमारे माननीय मुखिया श्री फेकू राम जी जो वर्ष 2001 से अब तक मुखिया बने हुए हैं, अपने पद पे आसीन हैं, उसके बावजूद भी काम पंचायत का एक बोला जाए तो आदर्श ग्राम तक नहीं घोषणा हो पाया है और इतनी ज्यादा अकुल संपत्ति उन्होंने अर्जन कर लिया है। इसीलिए हमने मुख्यमंत्री जी से मांग किया है कि वर्ष 2001 से अब तक जितनी भी संपत्ति उन्होंने अर्जन किया है उसका उच्च स्तरीय जांच करवाया जाए। आपके साथ और कौन कौन लोग जा रहे हैं? हमारे साथ हैं राजकुमार राम जी हैं और संतोष कुमार जी हैं, तीनों युवक पैदल जाएंगे। जी बिल्कुल, पैदल युवक सभी लोग पैदल जाएंगे यहाँ से। हम लोग का रात में जैसे 13 अगस्त को रुकना रहेगा, 14 अगस्त को भी रात में रुकना रहेगा और 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास के नजदीक हम लोग पहुँचाएंगे। जी क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम राजकुमार राम। आप लोग पदयात्रा क्यों कर रहे हैं? जी पदयात्रा हम ग्रामीण पंचायत के भ्रष्टाचार के खिलाफ हम पदयात्रा कर रहे हैं। कितने बिंदुओं पर जांच की मांग कर रहे हैं? बिंदु तो 7 बिंदुओं पर हम जांच की मांग कर रहे हैं जी। और इसमें और विशेष रूप से हम आपको बता दें कि शिक्षा, सबसे पहले शिक्षा और दूसरी स्वास्थ्य और तीसरा जो है पंचायत में हो रहा जितने भी योजना है उस पे खास करके फोकस, शिक्षा में हो गई कुछ स्कूल हो गए कुछ और रह गई आपको स्वास्थ्य में, तो स्वास्थ्य में भी करने का मतलब माल मवेशी बांध करके रखे हुए काफी मात्रा में उस जगह जगह है, उस जगह हाथ लगाया जा रहा है, कुछ और चीज का दुकान भी खोल दिया जैसे कि ठीक है, तो ये सब चीज हमको मिल रहा है और ये सब चीज है। और पैसा मिल जाना मजदूर का, उसमें सालों लग जाते हैं, ट्रैक्टर से काम करवाते हैं रात को, से काम करवाते हैं, उसमें कुछ ऐसे बैठे जो कार लेकर जाकर के मनरेगा में पाते हैं, तो ये सब चीज। सर ये जो गड़बड़ियां हैं इसके आप तो आपको प्रखंड या जिला लेवल पर भी बड़ी अधिकारी से मिल सकते हैं? हमारे दोस्त अभी से लगभग सालों से वगैरह भी उनसे भी कई बार जाकर के मिले हैं और सुशील लॉबी करके मिले हैं, तो उस पर भी आज तक रुझान ऐसा नहीं हो, कारण हम अपने दोस्त लोग जो दो तीन आदमी जो हम लोग पथ यात्रा पर जो जा रहे हैं, तो हम सोचे कि मतलब पांव पैदल जाने की क्या मजबूरी हो गई, मतलब तो डायरेक्ट पटना जाकर के अपनी बात रख सकते? जी मुख्यमंत्री जी से अपना बात तो मैं रख सकता था, पर कहीं हमारी बात को उस तरीके से ले ले जी कि अपना इस भ्रष्टाचार को कहीं अलग नजरिया से देखे, इसलिए हम लोग को थोड़ा सा पैदल यात्रा। पैदल यात्रा करने का सेंस क्या, युवाओं को भी कुछ संदेश देना चाह रहे हैं, उनको भी जागरूक करना चाह रहे हैं? जी युवाओं को मैं तो संदेश देना मैं जरूर चाहूंगा कि कभी भी गांधीवादी ही होनी चाहिए और गांधीवादी स्तर से ही बड़ी बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है। हिंसा की जरूरत नहीं है, अहिंसा। जी हिंसा की जरूरत नहीं है, अहिंसावादी होना, हर युवा को भी ये संदेश मैं पहुंचाना चाहूंगा कि वो जो है अहिंसावादी। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के भी कारणों से नहीं हो पाते, आपका अगला रुख क्या होगा? जी अगला रुख हो सकता है, हालांकि हम लोग जब यहाँ से जाएंगे वहाँ पहुँचेंगे तो हमको मिलकर के ही आना है, चाहे इसके लिए धरना प्रदर्शन करना पड़े या अनशन करना पड़े, तब तक मुलाकात नहीं होगी तब तक मैं वहाँ से नहीं आऊंगा।